गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्हें इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में किस तरीके के मेजर चैलेंजेस, हम ओवरऑल चैलेंजेस यानी कम्युनिटी को लेके जो फेस कर सकते थे, उनका अंदाज़ा था। इसी वजह से उनके माइंड में एक सिंपल सा थॉट यही था कि वहाँ पे एक इक्वल और जस्ट सोसाइटी जो है वो कैसे मेंटेन की जाए। तो उसके लिए अगर हम कुछ गाइडलाइंस या कुछ क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे या जो फ्रेमर्स थे, दे डिड नॉट वॉन्ट दीज गाइडलाइंस टू बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सिंस इंडिया वॉज अ पुअर स्टेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास में बहुत पॉवर्टी थी और लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन अगर हम इन गाइडलाइंस को चैलेंज कर देंगे कोर्ट में तो फिर एक ह्यूमन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी। इस वजह से वो इसको कोर्ट या जुडिशियबल या जस्टिबल भी नहीं बनाना चाहते थे, और ऐसा भी बनाना चाहते थे, ऐसे रूल्स या ऐसी नॉर्म्स भी बनाना चाहते थे जो सोसाइटी को पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट देती हों, जिससे पॉजिटिव इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो हो सके। इसी के लिए पार्ट 4th जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को इंक्लूड किया गया। ठीक है, ये गाइडलाइंस हैं लेकिन नॉन जस्टिबल हैं, इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट जो है उसे रिस्पॉन्सिबल माना गया है। यानी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट की जाएं, कुछ एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ कुछ इस तरीके की फ्रेम की जाएं ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके। सिंस इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट और अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन इग्नोर दीज गाइडलाइंस, इन्हें इसी तरीके से फ्रेम किया गया है। अब देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो कुछ गोल्स डिसाइड करते हैं, कॉमन गोल्स, और उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं। टू प्रमोट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस अमंग द पीपल, ये इसके गोल्स हैं। वर्क फॉर द कॉमन गुड, कॉमन वेलफेयर। टू रेज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड जो है सिटीजन्स का वो इम्प्रूव करना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, ऐसी सिचुएशन से ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करवाना। प्रमोट द इंटरनेशनल पीस, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी एक इमेज को मेंटेन कर सकें। पॉलिसीज़ जो हैं इसकी, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड होने चाहिए, इक्वलिटी हो सिविलियंस को लेके। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर्स, ज़्यादा एक्सेस में उसको यूज़ करना या वैसे उसको कंज्यूम करना। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, शेल्टर जो है कैटल्स के लिए, जो आवारा पशु होते हैं उनके लिए, जैसे अपने यहाँ होती है ना ये डेरियाँ वगैरह जो होती हैं, गौशाला वगैरह जो होती हैं, ऐसा। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, इसके लिए अमेंडमेंट जो हुए हैं, 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हैं वो हैं। दीज राइट्स आर नॉन जस्टिबल राइट्स, क्योंकि ये एडुकेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन और वुमेन में जो पेमेंट को लेके जो डिफरेंसेस किए जाते हैं वो नहीं हो। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में राइट है इनको, राइट टू वर्क है, एंड राइट ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो हैं कितने तरीके के, किस किस जगह पे हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं। टू मिनिमाइज़ द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इनइक्वालिटी जो है इनकम को लेके या इकोनॉमिक स्टेटस को लेके, या जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इनको लेके, उसके डिफरेंस को मिनिमाइज़ कर देना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना लाइवलीहुड के लिए, जो प्रिवेंट द कंसंट्रेशंस ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, उससे उसको बचाना। प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल हेल्प टू एवरी सिटीजन। ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत टू सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम्स ऑन द लोअर लेवल एंड यूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव रिसोर्सेज देयर। प्रोविजन्स टू प्रोवाइड द राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ओल्ड एज असिस्टेंस, जैसे वृद्धावस्था पेंशन जो मिलती है उसी तरीके से। प्रोविजन्स फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, इक्वलिटी को मेंटेन करना,
रूल्स और रेगुलेशंस को लेके, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का होना, जुडिशरी को प्रोटेक्ट, जुडिशरी हमें प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे अपनी कंडीशंस को, सेपरेट एग्जीक्यूटिव्स जो हों वो बने जुडिशियल के लिए, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए वर्क किया जाए, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने में, सिक्योरिटी को मेंटेन करने में जितना भी रोल हो एज अ मेंबर नेशन हम उसको फुलफ़िल करें, स्मॉल और लार्ज स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके प्रमोशन के लिए वर्क करना, उनको ग्रोथ देना ताकि जो सिटीजन्स हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ये ऊपर जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं, ये प्रोविजंस जो हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू कई सारे मेजर्स के रूप में पास किए गए हैं, जैसे ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश हुई है इससे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ है, एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा गया है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसे मेंटेन किया गया है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये इनफोर्सेबल हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिट के बेसिस पे प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिविल लिबर्टीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं स्टेट के एक्शन पे और नेगेटिव नेचर पे। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फिक्स हैं कि इस इतने राइट्स हैं, इस तरीके से इन्हें डील करना है, अगर इनको अपोज़ किया जाता है या कोई इन्हें नहीं यूज़ करता है तो फोर्सफुली उसे करवाया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दीज आर नॉन फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। दे कैन कॉल अपॉन द स्टेट टू टेक सम इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर द पीपल एंड फॉर द पॉजिटिव नेचर, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, बट देयर पावर इज़ वाइडर। वो वाइड लेवल पे हैं। अगर हमें कहीं पे भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो वी कैन डिमांड, बट दीज आर नॉट फोर्सेबल। रिलेशनशिप किस तरीके का है? एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हें प्रोहिबिट किया जाता है द गवर्नमेंट फॉर डूइंग सर्टेन थिंग्स, वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं कॉल अपॉन द गवर्नमेंट टू टेक इनिशिएटिव्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं लिबर्टी को ऑफ द इंडिविजुअल्स, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो इंटायर सोसाइटी नहीं देखेंगे, बल्कि डीपीएसपी जो है वो इंटायर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, वो उसके बारे में बात करती है। यहीं पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमें दी गई हैं। ये ड्यूटीज़ जो हैं वो चैप्टर नंबर 4A में आती हैं, आर्टिकल 51A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। इनके अकॉर्डिंग जैसे हमारी मॉरल ड्यूटी जो बनती है, हमें अपने जितने भी आइडल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्लैग है, एंथम है, एम्बलम है, इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, नोवल आइडियाज़ को प्रमोट करना चाहिए, नेशनल स्ट्रगल जो हुई है फ्रीडम की उस तरीके से आगे भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमें बनना चाहिए, अपहोल्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है द सोवर्जिनिटी यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ आर नेशन, ठीक है। नेशनल सर्विसेज जो हैं उनके लिए ऑनेस्ट रहना, हारमनी स्प्रिट कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, इनको प्रमोट करना, रिलीजियस बेसिस पे डिफरेंसेस नहीं करना, लिंग्विस्टिक और रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ को सपोर्ट करना, एक ह्यूमन डिग्निटी, एक वुमन डिग्निटी को ज़्यादा फोकस करना, वैल्यू देना, प्रिजर्व करना रिच हेरिटेज को, ठीक है, प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना नेचुरल इन्वायरमेंट्स को, जैसे फॉरेस्ट हैं, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सब को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू रिफ्यूज़ द कंडीशंस ऑफ वॉयलेंस की कंडीशंस को रिफ्यूज़ कर देना, ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस को सोसाइटी में नहीं आने देना, ठीक है। इसके अलावा फोकस टूवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अवर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस वेरियस प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़, बी अ पार्ट ऑफ दैट कलेक्टिव एक्टिविटी फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन लाइफ।
ठीक है, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.